मेरा होममेड डिशेस। आज हम चिकन सीख कबाब बनाएंगे डिफरेंट स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। चिकन को पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और उसका सारा पानी जाने तक उसे एक छन्नी में रखा था। सारा पानी निकल गया तब मैंने उसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिया है। अब हम उसमें मसाले ऐड करेंगे। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी और एक बड़ा चम्मच मिर्च का पाउडर है, ये हम इसमें डाल लेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना लिया है। हरा धनिया ज़्यादा है, पुदीना बिल्कुल थोड़ा सा है, फाइनली हमने उसे चॉप कर लिया है, वो भी इसमें डाल लेंगे। गरम मसाला, धनिया पाउडर एक चम्मच, चिकन मसाला है ये आधा चम्मच डालेंगे। एक चम्मच शाही जीरा है वो भी इसमें डाल लेंगे। ये दही है, इसे मैंने छन्नी में रखकर इसका सारा पानी निकाल लिया है, दो चम्मच हम इसमें डालेंगे। इसमें पानी होगा तो हमारा कीमा लिक्विड हो जाएगा, इसलिए हमें दही का पानी निकाल कर डालना है। दो चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। सारे मसाले हमने डाल लिए हैं, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाए, अच्छे से हम नीचे ऊपर करते जाएंगे। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके सीख बनाएंगे। सीख बनाने के लिए मैंने ये स्ट्रॉ ली है, इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी। हाथों पर भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा छोटा सा एक बॉल लेंगे इस तरह, और बीच में ऐसे रख कर इसको लपेटेंगे। ऐसे अच्छे से राउंड फिराकर हम बनाते जाएंगे। इस तरह से हम दबाते हुए मीडियम साइज के सीख बना लेंगे। मैंने ज़्यादा लंबे नहीं बनाए हैं, मीडियम बनाए हैं। अब हम निकाल लेंगे। इस तरह हम सारे बनाकर रख लेंगे। और एक मैं बनाना बताती हूँ। इसी तरह हमने सारे सीख कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। एक पैन में मैंने दो चम्मच ऑयल डाला है, अब उसमें एक एक करकर मैं कबाब डालूंगी। डालते जब मैंने फ्लेम को हाई रखा था, अब लो कर लिया है। अच्छे से लो फ्लेम पर हम दोनों साइड इसको अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे टर्न कर लेंगे। जहां पर नहीं हुए हैं उस साइड भी हम ऐसे पलटाकर अच्छे से तल लेंगे। लो फ्लेम पर ही हमें इसे तलना है, वरना अंदर से वो कच्चे रहेंगे। ये अब हो चुके हैं और थोड़ा सा हो जाए बस मैं इन्हें निकाल लूंगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हमारे चिकन कबाब से। डिफरेंट टाइप से अलग अलग तरीके से कबाब बनाए जाते हैं। मैं जो बना रही हूँ वो बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अब ये हो चुके हैं, मैं इन्हें निकाल लूंगी। सारे कबाब को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए, अंदर तक वो सारा अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। सेकेंड बैच भी हम ऐसे ही तल लेंगे। इसे बिल्कुल कम ऑयल जाता है, देखिए मैंने दो चम्मच डाले थे, बिल्कुल ऑयल हमारा ज्यादा नहीं एब्जॉर्ब हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा ही तलने में लगा है। ऐसे ही हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। हमने सारे चिकन सीख कबाब अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे।
एक पैन में हम एक बड़ा चम्मच बटर डालेंगे। बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अब हम उसमें क्रीम डालेंगे। दो बड़े चम्मच क्रीम है वो डाल लेंगे। ये मोजरेला चीज है, उसका एक क्यूब मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया है, वो भी इसमें डाल लेंगे। अच्छे से हम चीज को मेल्ट कर लेंगे। ये थोड़ा सा थिक हो गया है, हम थोड़ा उसमें मिल्क डालेंगे, थोड़ा सा दो बड़े चम्मच मिल्क डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा चम्मच काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे कबाब की कोटिंग रेडी हो चुकी है, इसे बहुत हमें नहीं पकाना है, चीज को मेल्ट होने तक ही हम उसे पकाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह आप बनाइए, बहुत मज़ेदार बनते हैं, सबको बहुत पसंद आएंगे। अच्छे से ये सारा चीज और क्रीम में मिक्स हो जाए। देखिए अच्छे से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। हमारे चिकन सीख कबाब बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिए। देखिए अच्छे से कोट हो चुके हैं, ये अच्छे से फ्राई हुए हैं तो टूटेंगे नहीं, बस हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। ये अच्छे से कोट हो चुके हैं, मैं फ्लेम को ऑफ कर लूँगी।